गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DTH डिजिटल स्किल्स पर। मैं हूं सबा और आज मैं आई हूं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 क्यूट सेल्फी कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम। जी हाँ, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और फटाफट से बिना कुछ देरी करे आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हमारा फर्स्ट कैप्शन है द बेस्ट ऑफ मी इज येट टू कम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द बेस्ट ऑफ मी इज येट टू कम, इसका मतलब होता है कि जो पिक आपने पोस्ट करी है उससे भी बेस्ट आपकी पिक अभी आने वाली है। तो ये कैप्शन बहुत ही ज़्यादा क्लासी और इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब आप लोगों को बता रहे हैं कि जो पिक अभी आपने देखी वो उससे भी बेस्ट मेरी पिक अभी आने वाली है जो लाइन में है, तो ये जो देख रहे हैं आप उसके लिए रेडी रहिए। तो ये कैप्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है जो लोगों को आपके पिक की तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और लोग इस चक्कर में आपके पिक के लिए वेट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैप्शन है संडे इज फंडे। जी हाँ गाइज, ये आप संडे के दिन मेनली पोस्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप कोई फनी टाइप का कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ खेल आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, तो आप उसकी साथ सेल्फी लेके आप ये कैप्शन यूज़ कर सकते हैं कि संडे इज फंडे। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैप्शन होता है जो लोग अपने इंस्टाग्राम सेल्फीज में यूज़ करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है बी योरसेल्फ, देयर इज नो वन बेटर। ऐसे अगर मैं इसका सिंपल मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो वो करो, क्योंकि मतलब ये है कि जो चीज़ सही है और आपने वो स्टार्ट करा है करना और लोग आपको उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ नहीं तुम गलत करोगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तो उन सबको इग्नोर करते हुए वो काम कर उस काम को कंटिन्यू रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेटर नहीं है। जो भी है लोग, जो भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं गलत होते हैं। एक मुहावरा भी आपने सुना होगा कि किसी को बोलने से पहले आप खुद में जाके देखिए, आपको अपनी कमी पहले सुधारेंगे तभी कोई आपके सुनेगा। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उससे अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वहाँ पे आप एक कैप्शन आराम से यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग कैप्शन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैप्शन भी है। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है लाइफ इज़ बेटर व्हेन यू आर लाफिंग। आपने कपिल शर्मा शो के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोग उससे उस शो को देख के अपनी लाइफ में इंप्रूव करते हैं। हाँ गाइज, लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी है, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर काम सही से करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टाइप की अगर आप किसी जगह पर गए हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, तो उस टाइप के सेल्फीज़ में आप ये कैप्शन यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है बी मोर ऑफ यू एंड लेस ऑफ देम। जी हाँ गाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैप्शन है। क्या है कैप्शन हमारा? बी मोर ऑफ यू एंड लेस ऑफ देम। गाइज, इसका सिंपल सा मतलब है दिखावा। जी हाँ गाइज, जो तुम हो तुम वैसे ही रहो, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बी मोर ऑफ यू एंड लेस ऑफ देम मतलब जितने तुम जिस टाइप के हो, जैसे हो उस टाइप से रहो, उन्हें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम दिखावा करके भी क्या कर सकते हो। यहाँ पे दिखावा वर्ड बहुत ही परफेक्ट होगा इस चीज को समझाने के लिए। मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को देख देख के कॉपी करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें के लिए आप ये कैप्शन कर सकते हो। ये भी आपका ये ऐसा कैप्शन है जो लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा। बी मोर ऑफ यू एंड लेस ऑफ देम मतलब दूसरों को देखना बंद करो। तो ये कैप्शन बहुत अच्छा है आपके इंस्टाग्राम पिक्स के लिए। अगर कुछ इस टाइप से रिलेटेड आप सेल्फी लेते हैं तो प्लीज़ आप इस कैप्शन को जरूर यूज़ करिएगा। मेरा नेक्स्ट कैप्शन है मे बी शी इज़ बॉर्न विद इट। ये कैप्शन आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने उन स्पेशल लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी हाँ गाइस, सपोज आपने अपनी मम्मा की पिक लगाई या आपने कोई किसी बेस्ट फ्रेंड की पिक लगाई, तो आप ये कह सकते हो शी इज़ बॉर्न विद इट मतलब वो जो खूबी है उनमें वो उनके साथ पैदा हुई है, या कोई उनकी खूबसूरती को लेकर हो सकता है, या उनकी कुछ आदत को लेकर हो सकता है, उनके नेचर उनके बिहेवियर को लेकर हो सकता है। तो उन चीज़ को मैंशन करके आप ये कैप्शन डाल सकते हैं कि शी इज़ बॉर्न विद इट। तो गाइस, ये भी बहुत कूल एंड इंटरेस्टिंग कैप्शन होता है उन सब चीज़ों के लिए। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है सेल्फ लव इज बेस्ट लव। जी हाँ गाइस, इसका मतलब है खुद से प्यार करना ही बेस्ट होता है। जी हाँ गाइस, अगर आपको कुछ अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, या आपको अपने आपको देखना ही बहुत अच्छा लगता है, या आपको अपनी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उससे रिलेटेड सेल्फीज के साथ आप ये कैप्शन यूज़ कर सकते हैं सेल्फ लव इज बेस्ट लव। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है बींग हैप्पी इज नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। तो जी हाँ गाइस, बींग हैप्पी जो ऐसी चीज़ है, मतलब खुश रहना ऐसी चीज़ है जो कभी स्टाइल के आउट नहीं जाती। तो सेम गाइस, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले एक लाफिंग से रिलेटेड कैप्शन बताया था, ये भी कुछ उस टाइप का ही कैप्शन है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने लाइफ में, उस रिलेटेड कोई सेल्फी ली है आपने, तो इसमें वो कैप्शन आप यूज़ कर सकते हैं बींग हैप्पी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। कैप्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग रहता है और लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि हाँ यार इतने अच्छे कैप्शन कहाँ से लेके आती है ये। तो आप अपने पिक को, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिक्स पे बहुत सारे लाइक्स आए, आपके पिक्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, तो आपके कैप्शन भी इंटरेस्टिंग होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप इन सब कैप्शन को अपने पिक्स में ज़रूर यूज़ करिएगा, और जिन्होंने यूज़ करा है तो वो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट कैप्शन है प्रिटी इन पिंक। जी हाँ गाइस, ये एक पर्टिकुलर कैप्शन है, मैं इसे कह सकती हूँ कॉमनली आप यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आपने कुछ पिंक वियर करा है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, या जो भी कोई ड्रेस वगैरह हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
एज अ कैप्शन प्रिटी इन पिंक। तो गाइस ये कैप्शन बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है अगर आपने उस टाइप का ड्रेस यूज़ करी है। तो आप पिंक के अलावा कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने कुछ और वियर करा है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरे ये कैप्शन अपने पिक्स के साथ यूज़ करे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।